यस गाइस, तो आपने बिल्कुल सही सुना। एमएसटी सीट स्टूडेंट के लिए उनके रिजल्ट डेट रिगार्डेड बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, जो बहुत ही वायरल और बहुत ही ट्रेंडिंग जा रहा है। क्योंकि देखिए, इस बार बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पर ऑब्जेक्शन रेस किया है, क्योंकि इस बार क्या हुआ है, पीसीबी और पीसीएम दोनों आंसर की, ठीक है, दोनों आंसर की में भारी मात्रा में क्वेश्चन गड़बड़ी दिखाई दी है। बहुत सारे स्टूडेंट ने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जिसपे ऑब्जेक्शन लिया है। तो इस बार क्या होगा, थोड़ा आपका रिजल्ट लेट हो सकता है क्या, बहुत सारे स्टूडेंट का मुझे यही बार बार कमेंट आ रहा है। तो देखिए गाइस, पूरा यहाँ पर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जान लेंगे, और हाँ, जो अभी का लेटेस्ट न्यूज़ है वो भी पूरा पढ़ लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि आप सभी का जो है फाइनल आंसर की कब रिलीज होगा, क्या आपके रिजल्ट बहुत लेट होने वाले हैं, कब आपका रिजल्ट आएगा और कब आपका काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट होने वाला है, और सबसे इंपॉर्टेंट मतलब क्या आपको बोनस अंक मिलने वाले हैं क्या। जो भी यहाँ पर आंसर की में कुछ गड़बड़ हुई है या फिर कुछ क्वेश्चन का जो आंसर है गलत दिया है, तो वो सुधार के आएगा क्या, और उसमें जो फाइनल आंसर की रिलीज होगा वो कब होगा। तो चलिएगा, इस फुल एंड फाइनल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला। साथ में बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन था कि सर सेफ स्कोर क्या है, कितना स्कोर होगा तो हमें कॉलेज मिलने वाला है क्या, 50 स्कोर पर भी हमें कॉलेज मिलेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट का यह भी दिक्कत था कि सर काउंसलिंग प्रोसीजर क्या होता है, और कैपरम वन में कितने कॉलेज का पार्टिसिपेट करते हैं, मुझे इंजीनियरिंग के लिए जाना है, मुझे फार्मेसी के लिए जाना है, बीएससी एग्री बीटेक के लिए जाना है। तो सभी का जो है कंफ्यूजन मैंने क्लियर कर दिया है, जो जिसने भी यहाँ पर पिछला वीडियो नहीं देखा, ठीक है, तो A1 एकेडमी पे जाके आप सभी को जो पिछला वीडियो है सीटी पे डाला हुआ वो देख लेना है। और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट का यह भी कंफ्यूजन है कि सर मुझे 165 मार्क्स मिल रहे हैं पीसीबी में, पीसीएम में मेरे को 170 मार्क्स है, तो सर मेरा एक्यूरेट यानी कि 100% श्योर वाला परसेंटाइल कितना बनेगा, तो मुझे कुछ परसेंटाइल कैलकुलेटर बता दीजिए। साथ में बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट कर रहे कि 50 मार्क्स है, 60 मार्क्स है, तो इस पे मेरा एक्यूरेट परसेंटाइल कितना बनने वाला है। तो देखिए, एक परसेंटाइल कैलकुलेटर है, इसे आपको जरूर देख लेना है, उसके बाद हम यहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो है कॉलेज दोस्त का ऑफिशियल एमएसटी सीटी परसेंटाइल प्रेडिक्टर। यहाँ पर आपको सिंपली एक्सपेक्टेड एमएसटी सीटी मार्क्स डाल देने, उसके बाद डिफिकल्टी लेवल जैसे मैं मॉडरेट सिलेक्ट किया हूँ और 130 मार्क्स में यहाँ पर डाल देता हूँ और सबमिट किया। उसके बाद आपको सिंपल आपका नाम डाल देना है, उसके बाद इंस्टीट्यूट नेम डाल देना है, और आपका जो व्हाट्सअप नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर पुट करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ओटीपी डाल देना है और वेरीफाई कर देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक्यूरेटली आपका जो यहाँ पर परसेंटाइल बना है आपको दिख जाएगा। तो इसका फायदा जरूर लीजिए, लिंक अवेलेबल डिस्क्रिप्शन बॉक्स। साथ में है कॉलेज दोस्त का व्हाट्सअप बोर्ड, इसे आपको जरूर ज्वाइन करना है। आपकी कोई भी क्वेरी है तो उनको कमेंट कर सकते हो। साथ में आपको टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज की लिस्ट चाहिए तो भी आप कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए, इसे जरूर ज्वाइन करिए, लिंक अवेलेबल डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यस गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो न्यूज़ है बहुत ही वायरल और बहुत ही ट्रेंडिंग जा रहा है, रिगार्डिंग टू एमएसटी सीटी रिजल्ट 2024 डेट्स स्टेप टू डाउनलोड एंड डिटेल मेंशन रिलेटेड टू काउंसलिंग प्रोसीजर। तो आपको वीडियो एंड तक वॉच करना है ताकि आपका पूरा जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। और हाँ गाइस, अभी भी चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करेगा, और जो भी फ्रेंड्स है उनकी तरफ ये वीडियो जरूर शेयर करेगा, कुछ व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें भी शेयर कर दीजिएगा। साथ में आप सभी को यहाँ पर जो है कैपरम वन के लिए जो डिटेल्ड मैंने कॉलेज दिया उसका जो पीडीएफ लिंक चाहिए आपको, तो टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर क्लियरली स्टेटमेंट इन्होंने दिया है कि एमएसटी सीटी रिजल्ट 2024 इज लाइकली टू अनाउंस ऑनलाइन मोड इन द सेकंड वीक ऑफ जून 2024। अब तक आपने बहुत सारे लेटेस्ट न्यूज देखे होंगे, बहुत सारे ट्रेंडिंग आर्टिकल्स आपने पढ़े होंगे, मैंने भी आपको बहुत सारे वीडियोज में इन्फॉर्मेशन बताया देखिए, बट यह जो न्यूज है यह न्यूज बहुत ही वायरल बहुत ट्रेंडिंग हो रहा था। देखिए, इसमें क्लियरली लिखा है कि सेकंड वीक ऑफ जून 2024 में आपके रिजल्ट रिलीज होने वाले हैं। तो गाइज, अभी का न्यूज है, बट क्या इतना लेट होगा आपका एमएसटी सीटी का रिजल्ट, ठीक है, जान लेते हैं यहाँ पर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। देखिए, साथ में आपको इन्होंने यह भी बताया कि एमएसटी सीटी के रिजल्ट आने के बाद, ठीक है, मान लो आप सभी के रिजल्ट 10 तारीख को आ गए या फिर 12 तारीख को आ गए, बट रिजल्ट आने के बाद देखिए क्या होने वाला है, सबसे पहले वही देख लेते हैं। यहाँ पर क्लियरली स्टेटमेंट लिखा है, देखिए, द एमएसटी सीटी काउंसलिंग प्रोसेस इज कंडक्टेड थ्रू द कॉमन एडमिशन प्रोसेस, यानी कि कैप राउंड कैप पोर्टल, ठीक है। उसके बाद देखिए, कैप प्रोसेस इज कंडक्टेड फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज सच एज बीटेक इंजीनियरिंग बी फार्मेसी एंड उसके बाद बहुत सारे ऐसे कोर्सेस है जो कि यहाँ पर कैप थ्रू आपको एडमिशन मिलने वाला है। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद जो आपका काउंसलिंग प्रोसेस होने वाला है बिल्कुल फ्री में, लगभग 5 से 10 बेस्ट टीचर स्टाफ का मेंटोर टीम है जो आपको फुल गाइड करने वाला है, और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो फ्री में आपको काउंसलिंग चाहिए तो आपको व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे फेक यूट्यूबर है जो आपसे पेड काउंसलिंग ले रहे हैं, मतलब आपको लगभग 500-1000 रुपये पे करने के लिए बोल रहे हैं काउंसलिंग के लिए, तो बिल्कुल पे मत करिए गाइस। आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट फुल एंड फाइनलाइज आपका एडमिशन होने तक आपको फुल सपोर्ट रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है, और साथ में आपको यहाँ पर है अभी व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। तो देखिए, सबसे पहले इसी आने के पॉइंट पे आते हैं कि आप सभी का रिजल्ट कब आने वाला है, क्या इतना लेट होगा। सबसे पहले देखिए, अभी यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑब्जेक्शन लिया है, ऑब्जेक्शन लेने के बाद, ठीक है, लगभग यहाँ पर 4 से 5 दिनों के अंदर अंदर आप सभी का जो है फाइनल आंसर की रिलीज हो जाना चाहिए, ठीक है, जो कि देखिए लगभग 31 मई से पहले अगर आपका यहाँ पर जो है फाइनल आंसर की रिलीज हो जाता है तो उसके बाद लगभग 8 दिनों में, ठीक है, उसके लगभग 8 दिनों में आप के रिजल्ट आ जाता है। तो 8 से 10 जून के अंदर अंदर आप सभी के रिजल्ट आ जाएंगे पीसीबी और पीसीएम दोनों ग्रुप के लिए, बट आप सभी का फाइनल आंसर की अगर 31 मई तक जारी हो जाता है तो गाइस बहुत जल्द फाइनल आंसर की का जो लिंक है एक्टिवेट होने वाला है। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि कोई भी ऑफिशियल सीटी सेल में अपडेट आ जाए तो सबसे पहले आपको अलर्ट नोटिफिकेशन मिले। और आप सभी को कमेंट करना है कि आपका जो यहाँ पर आपने आंसर की देखा उसके बाद आपका एक्सपेक्टेड कितना मार्क्स बन रहा है मुझे कमेंट करना। तो चलिए, अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। साथ में आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। और हाँ गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट।